हेलो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्चिनिया और आज फिर जो है ना नाश्ते में ज़बरदस्त मज़े के लच्छा पराठा बना रही हूँ लेकिन डिफरेंट मेथड मेथड से बना रही हूँ और इसमें जो है ना मैं इसकी लेयर्स बना रही हूँ जैसे तह नहीं होती वैसे लगा रही हूँ यानी पूरी रोटी बेल के और उसको जो है ना नज़र आ रहा होगा ऐसे जो है इसको ना मैं करती जा रही हूँ बस ये कंप्लीट हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त मज़े का पराठा बनता है देसी घी वाला बनाएं बटर वाला बनाएं तो मैं तो जो है ना वो बटर वाला बना रही हूँ और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसको इसी तरह जो है ना थोड़ा सा आपने दोनों हाथ से पकड़ के और इस तरह खींचना है बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना कि टूट जाए मिड में से बस इसको इसी तरह थोड़ा थोड़ा करने कि इक्वल हो जाए और बस इसको जो है ना अब राउंड इसको फिर कर लेना ये देख सकते हैं कि किस तरह लेयर्स आ गई हैं इसकी ना और जो है इसी तरह अब इसको राउंड पेड़ा जो होता है उसकी शेप में ले आना है तो ये बहुत ज़बरदस्त इजी बनाना भी इजी है तो मैं जो है ना मोस्टली तो मैं इसी मेथड से ही बनाती हूँ ये ज़्यादा इजी है तो बस आराम से जो है वो ये हो गया है और ये पेड़ा बन गया बस इसे बेल लूँगी और बहुत ज़बरदस्त जब बन जाएगा ना मज़े के जो है पूरा लच्छा जो है ना जैसे सही लच्छा पराठा होता है तो वैसे ही जो है ना खाने का भी मज़ा आता है तो पेड़ा जितना मर्जी आप ले लें ज़्यादा आटा मो मोटा पेड़ा ले लें क्योंकि मैं बहुत छोटी रोटी खाती हूँ जाहिर बात है शुगर है शुगर की वजह से जो है ना रोटी फिर मैं छोटी खाती हूँ और आप बड़ी भी बना सकते हैं और ये इतनी ज़बरदस्त मैं वो दिखा रही थी कि लाइंस जो बन जाती हैं राउंड राउंड लच्छा जो होता है ना वो सही खाने का मज़ा आता है मुझे तो खैर बहुत जो है ना अच्छी लगती हैं बटर वाली देसी घी वाली और पराठे तो मेरे फेवरेट हैं तो ये आप चेक कर सकते हैं कि देखें कैसे पूरा जो है ना ये लाइंस लेयर्स नज़र आ रही हैं और बाकी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा अगर आप लगाना चाहें बटर देसी घी वगैरह तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं तो ये मेरा जो है ना आलमोस्ट रेडी हो गया था और ये आप चेक कर सकते इस कदर जो है ना ज़बरदस्त मज़े का ये बनता है और खाने में जो है आप रख, जिनको पतला पसंद हो ना कई लोगों को बारीक जो है रोटी पसंद होती है कई लोगों को मोटी मोटी होती है तो मुझे ना पतली पसंद है तो मैंने ये पतली बनाई और ये आप चेक कर सकते थे ज़बरदस्त मज़े की रोटी जो है ना मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी अब पराठा जो बनाया था पराठे के साथ मैंने कहा चलो ज़बरदस्त सा जो है ना वो ऑमलेट तो नहीं है फ्राई एग गया लेकिन फ्राई एग डिफरेंट मेथड से बना रही हूँ ये मैंने सारा मिसाला बना लिया था जिसमें लहसुन अदरक प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ये सारी ऑयल में डाल के इसको थोड़ा सा कर लिया था ऑलमोस्ट टू मिनट किया होगा तो बस थोड़ा सा जब हो जाए तो जस्ट एग आपने डाल देने हैं डायरेक्ट भी डाल सकते हैं मैंने तो पहले प्याली में जो है ना तोड़ के रख लिया थे और फिर जो मैंने इकट्ठे ही तीनों डाल दिए और फिर आप चेक कर सकते हैं इस तरह ज़बरदस्त मज़े का जो है ना वो फ्राई मसाला एग जो है ना बन जाएगा और इसको खाने का इतना ज़बरदस्त मज़े का टेस्ट आता है इसका और आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो है ना इसको ज़्यादा सर स्पाइसी करके बना के खा लें मैंने तो जस्ट नमक डाला और काली मिर्च उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला मसाले में भी और ऊपर मैंने बस ऊपर जो है ना काली मिर्च डाल दी थी और मिसाले में जस्ट नमक डाला था और ये फ्राई एग ऊपर मैंने कवर कर दिया था कवर करके स्टीम में जो है इसकी ऊपर वाली लेयर बन गई थी और ये रेडी हो गया मिसाला फ्राई एग और इतना ज़बरदस्त मज़े का टेस्ट होता है आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और बस इसको आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं ज़्यादा हैवी नाश्ता करना होना तो फिर पराठे के साथ खा लें वैसे ब्रेड के साथ भी जो है अच्छा लगता है लेकिन आज मैंने जो है ना वही अपने लच्छादार पराठे बनाए और फिर मैंने कहा चलो साथ जो है ना फ्राई मिसा एग बना के खाते हैं और मुझे ये बहुत पसंद है इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त मज़े का होता है एक साथ आपको दो मज़े मिल जाते हैं फ्राई एग के भी और जो है ना मिसाले के भी प्याज़ टमाटर इसका मिसाला किसी तरह मुझे ये बहुत पसंद है तो बरहल नाश्ता तो ज़बरदस्त किस्म का हमने कर लिया था और फिर उसके बाद जो है ना वॉलमार्ट पे आए थे और हम बस चीज़ें वगैरह देख रहे थे बच्चों के यहाँ से आज जो है ना हम सारे बच्चों की चॉइस वगैरह जो है उनकी देखेंगे क्या क्या कीमतें हैं कितने के हैं तो बस हम एंटर हो गए थे और एंटर होते साथ ही यहाँ पे जो है ना जो डिस्काउंट में चीज़ें लगी होती थी तो सेल पे होती हैं वो स्टार्ट में रैक्स पे पड़ी होती हैं तो इस तरह ये जो चॉकलेट्स थी ना ये ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स डॉलर की थी तो ये इस तरह साइट्स पे लगी हुई थी और बाकी जो है ये सारी जो है बेकरी के प्रोडक्ट्स वगैरह भी और डोनट्स वगैरह और साइड पर समर की सारी कलेक्शन अच्छा वॉलट पर हर चीज़ होती है अब इस तरह दो वालमेट हम एक तो हम ये कहते हैं ना ये बड़ा वॉलमार्ट है यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी है एक तो क्रॉकरी की बहुत ज़्यादा वैरायटी है उसके अलावा जो टॉयज़ है ना उनकी भी बहुत बड़ी वैरायटी है यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग जो गए थे वहाँ पे टीचे मैक्स पे गए थे तो तब तो मैंने आपको बताया था कि वॉलमट में जो है ना ज़्यादा अच्छे टॉयज़ हैं और वैराटी बहुत ज़्यादा है आपके पास चॉइस होती है कि आप चूज़ कर लें वहाँ पर बहुत ही कम थे तो मैंने कहा चले इस बार फिर आपको जो है ना वालमेट का विज़िट कराते हैं और वहाँ के सारे टॉयज़ जो हैं वो दिखाती हूँ कि वहाँ पे किस किस किस्म के हैं और कितनी वैरायटी है और यहाँ पे बच्चों की जो है टॉयज़ उसमें वैरायटी भी है गर्ल्स के बॉयज़ के और एज वाइज भी, भी बहुत ज़्यादा रैक्स लगे हुए हैं तो बस यहाँ पर इसी तरह साथ साथ मैं बनाती जा रही थी और ये सारे जो है ना बच्चों के आगे साइकिल्स वगैरह मना कि हमने जो है साइकिल यहाँ से ली थी वॉलमार्ट से ही ली थी और हसन जो है ना बस साइकिल्स देख के जो वो स्टार्ट होने लगा था वो भी कह रहा था कि मुझे भी जो है ना एक साइकिल लेते उसके भी हमने छोटी लिए अभी उसकी छोटी वाली साइकिल किया थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना फिर उसकी फिर हम ये वाली साइकिल लेंगे और ये भी इसी तरह डिफरेंट रेंज की थी कोई वन फिफ्टी की थी हंड्रेड की थी और थोड़ी सी ये ज़ाहिर बात है महंगी तो है बाकी ये बच्चों के जो है बाकी कलरिंग वगैरह के लिए भी सारे टॉयज वगैरह थे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के थे कोई ट्वेंटी डॉलर का था टेन डॉलर का था फिफ्टीन डॉलर का था और यहाँ पे और यहाँ पर यह है कि बड़ी जो चीज़ें थी स्टॉलर्स वगैरह बच्चों की बड़ी गाड़ियाँ वगैरह जो हैं कार्स वगैरह तो ये भी थी और ये इतनी ज़बरदस्त लग रही थी मुझे तो ग्रीन वाली इतनी अच्छी लगी हसन को भी जो है ना ये, ये अच्छी लग रही थी हसन को खैर तो स्पाइडर भी अच्छा लग रहा था वो कह रहा था स्पाइडर मैन मैंने लेना है तो ये इसी तरह कोई थ्री फोर हंड्रेड तक की थी आलमोस्ट थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड और जो है डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस थी लेकिन जो है ना आलमोस्ट थ्री फोर हंड्रेड तक की थी टू हंड्रेड तक की कोई यानी जो बहुत ही अच्छी थी ना वो आलमोस्ट जो बहुत ही बड़ी वाली है ना इलेक्ट्रिक जो है वो आलमोस्ट थी फोर हंड्रेड डॉलर की हाँ तो ये इस तरह जो है ना हैं ट्वाइस और फिर उसके बाद ये जो दूसरी साइकिल्स वगैरह छोटी वाली है फिफ्टी सिक्सटी डॉलर की इसी रेंज में थी इस तरह की तो मनहा की भी है मनहा के पास भी है, मनहा भी लेके गई थी तो वो अब हसन चलाता है और तो दोनों का ये एक बड़ी चलाता है एक छोटी चलाता है तो, चला चला तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट जो है ना फिफ्टी सिक्सटी डॉलर तक की थी और उसके अलावा जो है ये सिक्सटी नाइन सेवेंटी डॉलर की डिफरेंट है तो ये सेवेंटी डॉलर की थी डिफरेंट शेप्स की डिफरेंट जो है ना वैरायटी की थी और ये जो बच्चों के छोटी छोटी सी जो होती है ना ये तो मनहा की थी ये आलमोस्ट ये उस वक्त जो है ना आज से तीन चार साल पहले फिफ्टी डॉलर की थी फोटी फिफ्टी डॉलर की तो अब जो है ये आलमोस्ट थर्टी डॉलर की पड़ी थी मैं देखती शायद डिफरेंट वो हो और ये जो स्कूटीज़ वग़ैरह जो बच्चों के थी वन हंड्रेड एटीन डॉलर के और इस तरह इस रेंज में थी और ये बच्चों के जो है छोटे बच्चों के चॉइस हसन वो देख रहा था सुन को ये अच्छा लग रहा था और टॉयस भी महंगे ही हैं ये नहीं है क्या सस्ते मिल जाएँ आपको ये भी हर जगह जो है ना महंगे महंगाई जो हुई हो हर तरफ तो बच्चों के टॉयस में भी जो है वो महंगे सॉफ्ट वाला थोड़ा सा और ज़्यादा देख लो तो और महंगा तो टॉयस में भी ये एज वाइज भी महंगे हैं तो ये जो है ये हम देखते फिर रहे थे और ये गेम जो है ना मुझे अच्छी लगी क्योंकि क्यों, मनहा जो है ना जब कभी बोर होती है ना तो उसको ये होता है कि कोई ना कोई गेम खेली जाए तो मैंने कहा कुछ गेम्स लेके रखते हैं और फिर हम लोग खेलेंगे ऑलमोस्ट ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन डॉलर की थी तो ये हमने ली और हम घर में अब प्ले करेंगे सारी फैमिली मिल के तो बस हमारी शॉपिंग जो है कम्प्लीट हो गई थी और हमने क्या टॉयज़ लिए, क्या क्या लिया वो सारा जो है ना नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी और बताऊँगी आई होप सो so, आप लोगों ने वीडियो इन्जॉय किया आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ठीक केयर बाय बाय अल्लाह हाफिज़